नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव से प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी बैठक में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्लान बना। चुनावी मोड में है बीजेपी और ताबड़तोड़ बैठकें बीजेपी कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन हुआ और बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। हरदा की बात करेंगे, जहां पर कमल खिलाने की अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली है। 20 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करेंगे मंत्री कमल पटेल। देश में मोदी, एमपी में शिवराज और हरदा में कमल खिलाने की प्रार्थना। 10,000 से ज्यादा कांवड़िए भगवान शिव पर चढ़ाएंगे नर्मदा जल। सावन के तीसरे सोमवार 24 जुलाई को कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। नर्मदा के आशीर्वाद से कमल सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में खिलता कमल श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग कांवड़ यात्रा, जो मां नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया, जिसका नाम हमने अब नाभिपट्टनम रखा है, से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो हरदा मेन रोड से होते हुए चांडे चौराहे से गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचेगी। वहां 12 ही ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाकर, गुप्तेश्वर मंदिर पर जल चढ़ाकर आरती करके पूर्ण होगी। इसमें मैं स्वयं कांवड़ यात्रा में रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी, फिर से कमल खिले। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व पुनः सरकार बने और हरदा में पुनः कमल खिले, इसके लिए मां नर्मदा से प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए आइए, मेरा साथ दीजिए और हरदा का विकास कराइए। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, कमल खिलाने की अनोखी मनौती होने जा रही है, कब से होगी, कैसी तैयारियां होंगी, कौन कौन शामिल होगा, बताइए विस्तार से। जी रितु जी, कल हरदा में सावन का सोमवार है और हरदा में सावन के सोमवार पे भगवान भोले से एक अनोखी मांग को लेकर जो है कृषि मंत्री कमल पटेल हजारों लोगों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल केंद्र में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये कांवड़ यात्रा निकलेगी। उनका ये कहना है कि पूरे देश में कमल खिले, उस कामना को लेकर जो है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाएगी और इसमें कांवड़ यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे, जिसमें महिलाएं और पुरुष जोड़े के साथ शामिल होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांवड़ यात्रा में जो दंपत्ति जो है शामिल हो रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। मां नर्मदा का जल लेकर हंडिया से लोग निकलेंगे और हरदा में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों को ये जल चढ़ाया जाएगा और भगवान भोलेनाथ से कमल खिलाने की प्रार्थना की जाएगी। हालांकि इसको लेकर काफी बड़ी पैमाने पर तैयारी चल रही है। जगह जगह मंच लगाए जा रहे हैं, लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्थाएं की जा रही है, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है और ये जो कृषि मंत्री कमल पटेल का दावा है कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप में ये भव्य कांवड़ यात्रा होगी और इस अनोखी परंपरा को, अनोखी कामना को लेकर ये कांवड़ यात्रा होगी। जी रितु जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। सामूहिक आत्महत्या करने वाले घर में चोरी हुई। चोरों ने बंद घर में ताला तोड़कर चोरी की। रातीबर थाना के नीलवर की घटना है। 13 जुलाई को परिवार ने खुदकुशी की थी। भूपेंद्र विश्वकर्मा ने परिवार के साथ खुदकुशी की थी। पत्नी और दो बच्चों के साथ ये खुदकुशी की गई थी। पुलिस ने घर में ताला लगा दिया था। आज घर का ताला टूटा मिला है। मृतक के परिजन 13वीं के कार्यक्रम में गए थे। पुलिस ने एहतियातन एक ताला लगा के रखा हुआ था। हालांकि पुलिस की उस घर से जो भी कार्रवाई करनी है, जब्ती करनी है, वो सब कुछ हो चुका था।
क्योंकि सारा परिवार नहीं था, उस पर एतिहादन एक ताला लगाया हुआ था जो आज सुबह टूटा मिला। इस पर घटना का संज्ञान लेते हुए जब तलाश की गई तो घर से एक टीवी गायब मिला है। इस पर मुकदमा कायम कर लिया गया है और जांच जारी है। इसमें पुलिस के पास हिंट्स भी है कि संभवतः चोर कौन हो सकता है, तो इस पर जल्दी कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बता दें, सामूहिक आत्महत्या की गई थी इस घर में और इसी घर में चोरी की वारदात सामने आई है। जो परिजन थे वो 13वीं के कार्यक्रम में गए हुए थे और उसी दौरान ये पीछे से चोरी हुई है। चोर बंद घर में ताला तोड़ करके घुसे हैं। अब पता चला है कि घर का ताला टूटा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, पता लगाया जा रहा है आखिर कौन ये लोग थे। जांच पड़ताल लगातार इस मामले में जारी है। रातीभर थाना के नीलबड़ की ये घटना आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई को परिवार ने खुदकुशी कर ली थी और भूपेंद्र विश्वकर्मा ने परिवार के साथ खुदकुशी की थी और उन्हीं के घर पर यह चोरी की घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई है। शुभांगी, सामूहिक आत्महत्या वाले घर में चोरी का मामला सामने आया है, बताइए क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13 जुलाई के दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने सभी को दुखी कर दिया था, जब पूरे परिवार ने आत्महत्या की थी। और आपको बता दें कि चाइनीज लोन ऐप के जाल में फंसकर भूपेंद्र विश्वकर्मा ने पहले अपने बच्चों को खत्म किया, फिर पति पत्नी फांसी के फंदे पर झूल गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनके घर को बंद कर दिया था क्योंकि वो रीवा से रहते थे, इसलिए उनका भोपाल स्थित रातीबड़ में शिव विहार कॉलोनी में जो घर था उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पड़ोसी के घर के छत से घुसकर उनके घर में चोरी हुई है। ज्यादा कुछ सामान तो बचा नहीं था क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी चीजें अपने साथ ले गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अलमारी में ज्वेलरी थी पत्नी की, उसे चुराकर चोर ले गए, कुछ गृहस्थी का सामान लेकर चले गए। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन शायद आज के जमाने में ये कहें कलयुग में लोग ये भूल गए हैं कि वो परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी बची कुची गृहस्थी और यादों को वे चोरी करके अपने साथ ले गए। पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आसपास के रहवासियों का कहना है कि पेट्रोलिंग की कमी हुई, ताला लगाकर पुलिस चली गई, उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली जिसके चलते ऐसा मामला सामने आया है। वहीं रहवासियों का यह भी कहना है कि आए दिन उनकी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं और भूपेंद्र विश्वकर्मा का घर चूंकि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत था तो इसलिए यहां पर तो पुलिस को आना चाहिए था, लेकिन यही कहा जा रहा है कि पुलिस समय पर यहां पर नहीं पहुंची, देखरेख नहीं की गई, जिसके चलते भूपेंद्र विश्वकर्मा के घर से काफी सामान चोरी हुआ, टीवी भी चोरी हुआ है, फ्रिज की भी बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वो परिवार जो इस दुनिया में नहीं रहा और वो परिवार के सदस्य जो अभी इस दुख से उभर भी नहीं पाए, उनके घर में इतनी बड़ी चोरी कई तरह के सवाल खड़े करती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी। भोपाल में युवक का ड्रामा देखने को मिला है। टॉवर पर चढ़ा युवक, चुनी भट्टी चौराहे पर टॉवर पर युवक चढ़ा, करीब 40 फीट ऊंचे टॉवर पर युवक चढ़ गया। खास मशक्कत करनी पड़ी युवक को नीचे उतारने में। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू की टीम ने वहां पर पहुंची और उसे उतारा। बेरोजगारी बताई जा रही है चढ़ने का कारण। लगभग 40 फीट ऊंचे टॉवर पर जो है युवक चढ़ गया था। ग्वालियर से खबर है जहां पत्नी ने परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाने की तैयारी की तो पति गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने पत्नी को गोली मार दी और फरार हो गया। सीने में गोली लगते ही पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पति अपराधी प्रवृत्ति का है और एक साल पहले ही चोरी के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था, मैं गया था, मुझे क्या पता क्या कमर में कट्टा घुस के तैयार है वो जिया जी, उसने सीधी फिर नेक जी ने ऐसे ही नेक, उसने बोला कि मुझसे मत लड़ो, उसी बहाने गोली दे दी। अरे ऐसे ही जी जी, मतलब छोटी बुरी बात हो रही है क्या, तूने सेंट लगा लिया ऐसा, सेंट लगाया कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत बात हुई। हाँ
क्या उसने कट्टा निकाल के कमर से गोली दे दी? बिजौली थाना क्षेत्र में गणेशपुरा गांव है, वहां पता चला था कि पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है और पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। तो उसके बाद जैसे ही सूचना मिली तो जो घायल है उसको तुरंत मुरार हॉस्पिटल लाया गया, फिर मुरार अस्पताल से उसको जेएच के लिए रेफर कर दिया गया। तो अब यहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, गोली लगी है उसको सीने के पास और हाथ में गोली लगी। कारण क्या बता रही है, वजह क्या? पति पत्नी का आपसी विवाद था और सुबह से शायद इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने आवेश में गोली मारी। जी, उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे। इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र में मनीष बाग कॉलोनी के घर में अंडे फेंककर धमकी देने का मामला सामने आया। जिस घर में अंडे फेंके गए वहां जैन परिवार रहता है। कल रात घर में किसी ने बहुत सारे अंडे फेंक दिए, साथ ही एक धमकी भरा पत्र भी फेंका जिसमें लिखा है कि शेड तोड़ दे, निक्कू भाई परेशान है, नहीं तो आज अंडा मारियो है, कल तुझे गोली मार देंगे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल भवरकुआं पुलिस ने नवीन कुमार जैन निवासी मनीष बाग कॉलोनी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। नवीन कुमार जैन ने बताया कि सुबह उठे तो देखा कि बालकनी, दीवार और पोर्च के अंदर अंडे ही अंडे फूटे पड़े हैं। वहीं पास ही में पत्थर से लिपटा पत्र भी मिला जिसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शेड तोड़ दे, निक्कू भाई परेशान है। पत्र में गालियां लिखी हैं और लिखा है कि अभी अंडा मारा है, कल तुझे गोली मार देंगे। जैन ने बताया कि 30 साल से हम यहां रह रहे हैं, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन इस घटना से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा पूरा परिवार शाकाहारी है और इस घटना से पूरा परिवार दुखी है। वहीं पीड़ित परिवार अब पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग करेगा। फिलहाल पुलिस ने धारा 507 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि व्यापारी जैन परिवार से है, शक है कि प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें धमकी दी गई है। हो सकता है धमकी देने वाला किसी को फंसाना चाह रहा हो। डीसीपी आरके सिंह के मुताबिक कॉलोनी में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहां से रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। इंदौर के सहयोगितागंज पुलिस ने इंदौर के पौश इलाके से चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर चंदन के पेड़ जब्त कर लिए। पकड़े गए चंदन चोर गिरोह ने जजों और मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले से भी चंदन के पेड़ चोरी किए थे। दरअसल इंदौर की सहयोगितागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की पौश कॉलोनी रेसिडेंसी क्षेत्र में लगातार चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं। चंदन चोर गिरोह जजों के बंगले और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले को भी पिछले दिनों निशाना बना चुकी है। सात आठ पेड़ थे उसमें 40 जो मौके पर मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। देखिए मैंने जैसा बताया कि ये उसका फायदा उठाते हैं क्योंकि 2:50 तक को ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अमित शाह मौजूद, तय कई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। 10:30 एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अमित शाह मौजूद है, बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है, कई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे अमित शाह। मुरैना की बात करेंगे जहां पर मोबाइल पर बात करने से गुस्से हुए पति ने पत्नी की चाकू और हसीये से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। पत्नी की घटना स्थल पर मौत हो गई तो वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, मामले की जांच शुरू कर दी। खंडवा में आदिवासी महिला के अपहरण का मामला सामने आया। मोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिहाड़ा में महिला का अपहरण हुआ। महिला के पति ने पूर्व पति पर शक जताते हुए पुलिस को बताया कि दवा
सुंघाकर तीन नकाबपोश बदमाश अपने साथ ले गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब हम आपको दिखाएंगे खरगोन शहर के पौश इलाके की तस्वीर, जहां बिस्तान रोड पर नाला लोगों की जान का मुसीबत बना हुआ। इस भारी बारिश में इस नाले में लोग आते जाते गिर रहे हैं। करीब 5 से 6 फीट गहरे नाले में आमजन और बेजुबान जानवर गिर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सहयोगी ने वहां के लोगों से बातचीत भी की। स्टान रोड है, स्टान रोड का पास इलाका है ये, जो नाला है नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। बारिश के दौरान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका का ये नाला करीब 6 महीने से खुला हुआ पड़ा है और इसमें आए दिन जो है बेजवान जानवर तो गिर रहे हैं, आम लोग भी गिर जाते हैं। अभी एक हमारे सामने एक व्यक्ति गिरा था, किस प्रकार क्या हो गया था ये? सर मेरा पैर स्लिप मार गया था, मतलब पानी के बारिश की वजह से। अच्छा, नाला खुला हुआ है बहुत दिनों का, नवमन मेरे का। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? प्रशासन की लापरवाही है। उससे क्या है, मच्छर वगैरह भी हो रहे हैं और सब बीमारियां फैल रही है। अच्छा, गंदगी। तो ये लापरवाही की बात की जा रही है, क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे, कब से परेशान है? ये करीबन 8 महीने हो चुके हैं और हर दुकानदार इससे परेशान है इससे। और अभी कल भी एक जो है गाय गिरी है अंदर, और एक आज ये देखो ये छोरा गिर गया है। तो ऐसे आए दिन की घटनाएं होती रहती। रात में एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया था। नहीं तो ये नगर पालिका इसको बंद नहीं कर रही क्या? नहीं बंद कर रही है, लापरवाही कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसको पूरा ढक दिया जाए और जल्दी जल्दी इसका काम हो जाए, ताकि हमारे टीवी सिस्टम। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से के साथ किया पौधारोपण। सितंबर से महिलाओं के खाते में पहुंचेगी राशि, योजना में शामिल नई बहनों के आवेदन 25 जुलाई से। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, कहा रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी को नहीं बोलना चाहिए झूठ, एक साल में दी गई 55,000 लोगों को नौकरी। ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, 936 करोड़ की लागत से स्वर्ण रेखा नदी पर बनना है 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। सिंधिया ने सीएम शिवराज को कहा धन्यवाद। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने साधा निशाना, कहा प्रियंका गांधी जब करती है मुद्दों की बात तो बौखला जाती है बीजेपी। इंदौर में G20 देशों के डेलीगेट्स की हेरिटेज वॉक, ऐतिहासिक इमारतों और संस्कृति से हुए रूबरू। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। चुनाव के मोड में भाजपा हमेशा होती है। 7 प्रभारी मध्य प्रदेश में चुनाव के बन गए हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे आप? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कंफ्यूजन है और या कोई कॉन्ट्रडिक्शन। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहां पर वो सीटें हारे थे। उनकी दौरा जहां जहां होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमारी सरकार में। कांग्रेस केवल माइंड गेम खेल रही है। सिंधिया जी के समर्थकों को आपने कहा था कि विभीषण थे वो हमारे साथ आ गए इसलिए हमको फायदा हो गया। वो क्यों आए? धर्म यहाँ है, मानकर आए। भाजपा में बहुत सारे हिस्से हो गए हैं। नाराज भाजपा भी हमारा है, शिवराज जी भाजपा भी हमारा है, महाराज भाजपा भी हमारा है। अब की बार 200 पार सुनामी, भाजपा सुनामी। सीएम का चेहरा घोषित करेंगे? वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में हमारे पास मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं।